हेलो बच्चों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग लेसन फाइव का जो पोयम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको लिखा है वाल्ट व्हाइटमैन ने। किसने लिखा है? वाल्ट व्हाइटमैन ने। ये कविता जो है वाल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन थे। जो ये ओ कैप्टन माई कैप्टन, कैप्टन में कप्तान होता है, तो ओ हे कप्तान, मेरे कप्तान, यहाँ पे मतलब अब्राहम लिंकन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को ही संबोधित किया गया है। यानी कि यहाँ मतलब जहाँ जहाँ इस पोएम में जहाँ जहाँ पर ओ कैप्टन माई कैप्टन आया है, जो कैप्टन आया है, इसको हम राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं या उन्हीं के बारे में लिखा गया है। तो चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, द शिप हैज फीथर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज वॉन, द पोर्ट इज नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल आर एक्सल्टिंग, वाइल फेलो आइज द स्टीडी किल, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। चलिए पहले देखते हैं यहां से। ओ कैप्टन माई कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, या फिर कह सकते हैं हे राष्ट्रपति, हे अमेरिका के राष्ट्रपति, हे मेरे अमेरिका के राष्ट्रपति, या तो हे कप्तान या मेरे कप्तान। फिर आवर फियर फुल ट्रिप इज डन, कह रहा कि हमारी भयानक यात्राएं, मतलब कि जो हमारी गृह युद्ध, मतलब कि जो भयानक युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ट्रिप मतलब यात्रा होता है, लेकिन यहाँ पे युद्ध से मतलब है, युद्ध से मतलब कि अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, मतलब उसी युद्ध के समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई थी, तो उसी समय इसको लिखा गया था। तो यहाँ पे देखिए, आवर फियर फुल ट्रिप इज डन, मतलब हमारी जो भयानक यात्रा थी यानी हमारा जो गृह युद्ध था, अब वह पूर्ण हो चुका है यानी समाप्त हो चुका है। द शिप हैज वेटर्ड एवरी रैक, जहाज ने हर एक मुसीबतों का, मतलब विदर्ड मतलब बहुत ही बहादुरी सामना कर लिया है। द शिप हैज वेथर्ड एवरी रैक, जहाज ने हर एक मुसीबतों का, एवरी रैक मतलब हर एक मुसीबतों का बहादुरी के साथ सामना कर लिया है। द प्राइज वी सॉट इज वॉन, करा कि जिस कामना के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हम लोग युद्ध कर रहे थे, वो हमने जीत लिया है। वॉन मतलब हमने वो जीत लिया है या वो हमने प्राप्त कर लिया है। द पोर्ट इज नियर, मतलब समुद्र का किनारा पास में ही है, मतलब बंदरगाह पास में ही है, मतलब वो जहाज से आ रहे हैं तो कहा जा रहा है द पोर्ट इज नियर, समुद्र का किनारा पास में ही है। द बेल्स आई हियर, क्योंकि मैं गिरजाघर की घंटियों की आवाज सुन सकता हूँ, मुझे गिरजाघर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रहा है, इसलिए समुद्र का किनारा पास में ही है। द पीपल आर एक्सल्टिंग, लोग खुशियां मना रहे हैं, एक्सल्टिंग मतलब खुशियां मनाना, आनंद मनाना। वाइल फेलो आइज द स्टीडी कील द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, मतलब कि लोग खुशियां मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं कि लोग वाइल फेलोज आइज, लोगों की आंखें जो है, द स्टीडी कील द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, मतलब वेसल मतलब जहाज, अकील मतलब भी जहाज ही होता है, पानी का जहाज, मतलब कि जो मतलब कि बहुत ही विशाल और भयानक जहाज है। डेयरिंग मतलब जैसे कि एक बार मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहादुर और विशाल, जो बहादुर और विशाल जो जहाज है, उस जहाज को सुरक्षित देखकर, सुरक्षित देखकर जब लोगों की आंखें उस बहादुर जहाज को, विशाल जहाज को सुरक्षित देखती हैं, तो द पीपल आर एक्साइटेड, लोग खुशियां मनाने लगते हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, मतलब जहाज को सुरक्षित आते हुए देखकर लोग खुशियां मना रहे हैं। आगे है, बट लेकिन ओ हर्ट, लेकिन हे हृदय। अब देखिए यहाँ पे तुरंत ये पोयम मतलब कि शोक में परिवर्तित हो गया है, मतलब दुखी वाले रूप में परिवर्तित हो गया है। तो वही कह रहा है, लेकिन हे हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, मतलब कि खून की बहती हुई बूंदे या खून की बहती हुई धाराएं, वेयर ऑन द डेक माई लाइज कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड,
कह रहा कि जो कप्तान का जहाज है, सॉरी जो जहाज का कप्तान है, सॉरी जो कप्तान का जहाज है वो जहाज के थर, जहाज के छत पर, डेक माने होता है जहाज का छत, जो जो जहाज का जो कप्तान है मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं वो जहाज के छत पर फालन कोल्ड एंड डेड, फालन कोल्ड एंड डेड मतलब कि वहाँ पर उनका शरीर जो है वो मतलब वहीं पर लेटे हुए हैं, मतलब जो जहाज के कप्तान राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन है वो जहाज के छत पर लेटे हुए हैं, फालन कोल्ड उनका शरीर ठंडा हो गया है एंड डेड और वो मर चुके हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, और उनके शरीर से रक्त की बूंदे बह रही है। और इस चीज को देख करके जो कवि है वो कहता है हे हृदय हे हृदय हे हृदय, मतलब इसके पहले लोग खुशियां मना रहे थे लेकिन जब कवि देखता है तो वो तुरंत उसका मतलब मन क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, हे राष्ट्रपिता या हे राष्ट्रपति, हे मेरे राष्ट्रपति राइज अप, उठ जाइए आप उठ जाइए, एंड हियर द बेल्स, और गिरजाघर की घंटियों को सुनिए, आप उठिए और गिरजाघर की घंटियों को सुनिए, राइज अप उठिए, फॉर यू द फ्लंग फ्लैग इज फ्लंग, क्योंकि आपके लिए ही ये झंडा फहराया गया है। देखिए वहाँ पे समुद्र किनारे झंडा फहराया जा रहा है, तो आपके लिए ही झंडा फहराया गया है, फॉर यू द बगल बगल ट्रीज, और आपके लिए ही बिगुल बजाया जा रहा है, आपके लिए ही बिगुल बजाया जा रहा है, फॉर यू बैकवर्ड्स, आपके लिए ही गुलदस्ता लाया गया है, उठिए आप हे कप्तान मेरे कप्तान, उठिए आपके लिए ही गुलदस्ता लाया गया है, एंड रिबेंड व्रेक्स फॉर यू, और आपके लिए ही, आपके लिए रिबन मतलब धागे में बंधे हुए मतलब व्रेस मतलब मालाएं लोगों ने लोगों मतलब सभी लोग लेकर के आए हैं, फॉर यू द सोर्स क्राउडिंग, और आपके लिए ही यहाँ पे समुद्र किनारे बंदरगाह पर लोगों की भीड़ जमी हुई है आज से केवल आपके लिए ही, फॉर यू द काल, और आपको ही लोग बुला रहे हैं, कृपया आप उठ जाइए, प्लीज आप उठ जाइए, आपको ही लोग बुला रहे हैं, द स्वेइंग मास देयर ईगर फेस टर्निंग, तभी वहाँ पे द स्वेइंग मास मतलब लोगों की भीड़, मास मतलब सभी लोग जो वहाँ पे लोगों की भीड़ जुटी हुई है, देयर ईगर फेस टर्निंग, उनका जो चेहरा जो उत्सुकता से भरा हुआ था, जिनका चेहरे पे खुशी थी, अचानक उनका चेहरा क्या होता है टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब खुशी से मतलब पहले चेहरे पर उनके खुशी था, अब उनके चेहरे पर क्या आ गया है दुख आ गया है, अब उनका भी मन बदल गया है। पहले तो खैर सिर्फ कवि ने देखा था, सिर्फ कवि ने देखा था कि मतलब जो कैप्टन है जो कप्तान है जो अमेरिका के राष्ट्रपति वो मर गए हैं, अब सभी लोगों ने देख लिया है। तो अब देखिए क्या होता है, फिर वो कहते हैं हियर, अब यहाँ पे कहते हैं यहाँ कैप्टन डियर फादर, दिस आर बीनीथ यू बीनीथ योर हेड, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। देखिए कह रहा है कि हियर यहाँ पर कैप्टन माई कैप्टन डियर फादर, अब देखिए यहाँ पे उस कप्तान को उस कैप्टन को उस राष्ट्रपति को अब डियर फादर यानी कि पिता कह के संबोधित कर रहा है कि कैप्टन कप्तान जी डियर फादर, हे मेरे पिता, हे कप्तान हे मेरे पिता, हे कप्तान हे मेरे पिता, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, अब मेरा जो बाह है मेरी जो मेरा जो हाथ है आपके सर के नीचे है। कहने का मतलब है कि कवि ने अपने मतलब कि हाथ पर जो राष्ट्रपति हैं जो कप्तान हैं उनका सर क्या किया है ले लिया है, तो ये कह रहा है कि अब मैं जो मेरा हाथ है आपके सर के नीचे है। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डे, क्या इस जहाज के छत पर मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्या इस जहाज के छत पर मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि यू हैव फॉलन कोल्ड, कि आपका शरीर ठंडा हो गया है एंडेड और आप मर गए हैं, क्या मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। माई कैप्टन डज नॉट एंसर, मेरा कप्तान मतलब मेरे जो कप्तान है मेरे जो पिता है मेरे जो राष्ट्रपति हैं वो कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। हिज लिप्स आर पैल एंड स्टील, उनका होंठ जो है पीला हो गया है एंड पूरी तरह से शांत हो गया है, पीला हो गया है और पूरी तरह से शांत हो गया है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और जो मेरे पिता हैं जो मेरे कप्तान हैं जो मेरे राष्ट्रपिता हैं अब वो मेरे हाथों को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका हाथ उनके सर के नीचे है। ही हैज नो पल्स नॉर व्हील, न तो उनका सांस चल रहा है न तो उनकी नाड़ी चल रही है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड इट्स वॉयस क्लोज एंड डन, कह रहा है कि जो जहाज है जो पानी का जो जहाज है जो विशाल जहाज है वह सुरक्षित
वह सुरक्षित अपनी यात्रा से आ गया है, वापस लौट आया है, क्लोज्ड एंड डन, युद्ध समाप्त हो गया है और पूरी तरह से युद्ध बंद हो चुका है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द वेक्टर शिप कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट वन, और फियरफुल ट्रिप द वेक्टर शिप, और जहाज जो है जिस भयानक यात्रा पर गया था उस यात्रा से वापस लौट आता है या वापस लौट आया है, इन विथ ऑब्जेक्ट, और जिस लक्ष्य के लिए, जिस चीज के लिए वो जहाज गया था उस चीज को उसने, जहाज ने जीत लिया है या प्राप्त कर लिया है। एक्सल्ट, लोग खुशियां मनाओ, इसीलिए मतलब जहाज जिस लक्ष्य के लिए गया था, जिस उद्देश्य के लिए गया था, वो उस उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है, इसीलिए एक्सल्ट। ओ सोर्स मतलब कि समुद्र के किनारे जुटे हुए लोग, सभी लोग एकत्रित हुए लोग, एक्सल्ट, सभी लोग खुशियां मनाओ। एंड रिंग, बाजे बजाओ। ओ बेल्स, हे गिरजाघर की घंटियां, तुम लोग भी बजो। बट लेकिन आई, मैं विथ मॉर्नफुल ट्रेड, मतलब कि एक दुख भरे कदमों के साथ, मैं दुख भरे कदमों के साथ, वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, मैं उस जहाज के छत पर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा कप्तान लेटा हुआ है, फालन कोल्ड, जिसका शरीर ठंडा हो गया है, एंडेड, और मर गया है। तो बच्चों, इस तरह से ये पोएम समाप्त हो गया। ये पोएम बहुत ही अच्छा है। इस पोएम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया भी हमने देखा है कि हर साल लगभग आया है, तो इस पोएम को आप अच्छे से देखिए, इसका सेंट्रल आइडिया भी याद कर लीजिएगा। चलिए, इसका सेंट्रल आइडिया भी हम आपको इसी लाइन में बता देते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसका सेंट्रल आइडिया, इन दिस पोएम द पोएट वाल्ट व्हाइटमैन डिस्क्राइब हिज ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। इस कविता में जो वाल्ट व्हिटमैन है, वो जो है राष्ट्रपति लिंकन की मृत्यु पर अपना दुख प्रकट करते हैं, अपने दुख को प्रकट करते हैं। लिंकन फाट द अमेरिकन सिविल वार सक्सेसफुली। लिंकन जो है अमेरिका के लिए गृह युद्ध को बहुत ही सफलतापूर्वक लड़ते हैं और उसे जीतते हैं। ही इरेडिकेटेड स्लेवरी, वो दासता को, मतलब वहाँ पे पहले दासता की प्रथा था, उसको अब्राहम लिंकन जो है जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। बट लेकिन ही वाज एसिनेटेड इन अ थिएटर बाई अ टेररिस्ट, लेकिन एक आतंकवादी के द्वारा वो थिएटर में उनका मतलब कत्ल कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। द पीपल आर वेरी एनेक्सियस टू ऑफर हिम द गार्लेंड्स ऑफ फ्लावर्स एज अ साइन ऑफ देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। लोग उसके लिए अपने प्यार और सम्मान के प्रतीक के रूप में उसे फूलों के हार भेंट करने के लिए उत्सुक हैं। बट ही इज लेंग, लेकिन वह मरा पड़ा है। सो द पोएट सेज, इसलिए कवि कहता है कि लेट द पीपल रिजॉइस, कि लोगों को आनंद मनाने दो, या लोग आनंद मनाओ। आई विल एलोन मॉर्न द डेथ ऑफ कैप्टन, मैं अकेले इस कप्तान के मृत्यु पर शोक मनाऊंगा। तो बच्चों, इस पोयम, इस सेंट्रल आइडिया को आप लोग किसी नोट कॉपी पर लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, यदि आप लोगों को पोयम अच्छा लगा हो, तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।